अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? तो क्या हो रहा है? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? मजा आ रहा है ना? क्या हो रहा है? बारिश हो रही है जी। आपको पसंद है ना बारिश? मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज हम पढ़ने वाले नहीं है क्या? नहीं नहीं पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? रीडिंग की थी आपने, उसकी बार बार बुलंदख्वानी की, ठीक है। आपने अपने टीचर को भी वॉइस मैसेज में भेजा, ठीक है। तो आज हम उसके बकिया हिस्से की रीडिंग करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवालात भी करेंगे, और उसके लिए आपको तैयारी करनी है। पहले रीडिंग कर लेते हैं बकिया हिस्से की, और फिर हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, ठीक है। हमारा पेज नंबर है 7, उसकी रीडिंग है। पहले सूरत पढ़ लेते हैं दोबारा। ये है सूरह कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है लीलाफी। पढ़िए लीलाफी। कुरैश। पढ़िए कुरैश। इलाफ़हिम। पढ़िए इलाफ़हिम। रहलतश। पढ़िए रहलतश। शिताई। पढ़िए शिताई। वस्सैफ। पढ़िए वस्सैफ। ये है फल याबुदू। पढ़िए फल याबुदू। रब। पढ़िए रब। हाजल बैत। पढ़िए हाजल बैत। ये है अल्लजी। पढ़िए अल्लजी। अत आमहुम। पढ़िए अत आमहुम। ये है मिन जू यू। पढ़िए मिन जू यू। ये है वा आमनहुम। ये है वआमनहुम। पढ़िए वआमनहुम। मिन खौफ। पढ़िए
मीन खौफ। आइए अब इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। कुरैश कुरैश कुरैश, पढ़िए कुरैश की आसानी, की आसानी, की आसानी, पढ़िए की आसानी, और पढ़िए और सहूलत, 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 पढ़िए सहूलत की पढ़िए की खातिर, 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 पढ़िए खातिर। यहाँ पर हमारी एक आयत का तर्जमा हुआ। ये देखिए, ये है जाड़े, 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 पढ़िए जाड़े, और गर्मी, पढ़िए और गर्मी के सफर में, के सफर में, के सफर में, पढ़िए के सफर में आसानी, 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 पढ़िए आसानी पैदा करने, पैदा करने, पैदा करने, पढ़िए पैदा करने के लिए, के लिए, के लिए। हमने पढ़ा जाड़े और गर्मी के सफर में आसानी पैदा करने के लिए, ब्रैकेट में है, अल्लाह ने, पढ़िए अल्लाह ने उन्हें, उन्हें, पढ़िए उन्हें सहूलत दी, सहूलत दी, पढ़िए सहूलत दी। हमारी यहां पर दूसरी आयत का तर्जमा कंप्लीट हुआ। ये है तो उनको चाहिए, तो उनको चाहिए, पढ़िए तो उनको चाहिए के पढ़िए के इस घर, पढ़िए इस घर, यानी खाना काबा, यानी खाना काबा, पढ़िए यानी खाना काबा के मालिक, पढ़िए के मालिक, यानी अल्लाह, यानी अल्लाह, पढ़िए यानी अल्लाह की ही, पढ़िए की ही, यह है इबादत, 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 पढ़िए इबादत करें, करें, पढ़िए करें। हमने पढ़ा तो उनको चाहिए कि इस घर यानी खाना काबा के मालिक यानी अल्लाह की ही इबादत
करें। यहां पर हमारी तीसरी आयत का तर्जुमा कंप्लीट हुआ। आखिरी आयत है हमारी, वो अल्लाह पढ़िए, वो अल्लाह जिसने पढ़िए, जिसने भूख के वक्त पढ़िए, भूख के वक्त खाना दिया पढ़िए, खाना दिया और पढ़िए, और डर पढ़िए, डर के वक्त पढ़िए, के वक्त सुकून पढ़िए, सुकून दिया पढ़िए, दिया। हमने पढ़ा वो अल्लाह जिसने उन्हें भूख के वक्त खाना दिया और डर के वक्त सुकून दिया। यह हमारी चौथी आयत का तर्जुमा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, मैंने कहा था आपसे कि कुछ सवालात मैं आपसे करूंगी, आप उसका जवाब देंगे। तो तैयार हैं आप लोग? तो ये बताइए कि अल्लाह ताला ने क्या कुरैश के लिए ही सिर्फ हमारे प्यारे नबी को भेजा? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नबी बना के भेजे थे। उनका काम सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ कुरैश को हिदायत दें, बल्कि वो तमाम बनीनो इंसान के लिए नमूना हयात और हिदायत का जरिया बने। ठीक है ना? तो एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है ना? ये बताइए कि आप कुरैश जब तिजारत करते थे तो उनके सामान और उनके सफर में उनकी कौन हिफाजत करता था? उनके सफर में कौन था जो उनकी हिफाजत करता था? कौन उनको प्रोटेक्ट करता था? कौन उनको सर्दी से, गर्मी से और डाकुओं से, लुटेरों से बचाता था? कौन था? जी अल्लाह ताला ही बचाते थे। और वो लोग क्या समझते थे कि कौन बचा रहा है? जी वो अपने मुख्तलिफ किस्म के बुतों का नाम लेते थे। तो ये गलत बात थी ना? ठीक है, तो बच्चों आज हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट की। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है ना? अपने टीचर को इसकी रीडिंग पढ़ के सुनाएंगे, और वैसे भी आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सारी मालूमात हमें मिल रही है, ठीक है ना? आप अपनी अगली क्लास के लिए तैयार होइएगा और इस सबक की रीडिंग बार बार करेंगे। अल्लाह हाफिज़।